आज के इस वीडियो में वेष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है परिचय, उसी का आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं चाहूंगा कि आप चैप्टर से रिलेटेड सभी चीज को कवर करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरी, तभी आपका चैप्टर का प्रिपरेशन यानी तैयारी अच्छी तरह से हो पाएगी। और इस चैप्टर के अंतर्गत यानी इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे भी चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि आर्थिक समस्या क्या है, यानी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो होता है वो क्या है। जनरली हम लोग तो समझते हैं कि गरीबी एक आर्थिक समस्या है, सीमित संसाधनों का होना, सीमित वस्तुओं का होना, यह भी क्या है, ये भी एक आर्थिक समस्या है। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में आया कि आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं, आर्थिक समस्या को परिभाषित करें, आर्थिक समस्या क्या है, मतलब घुमा फिरा के आपको आर्थिक समस्या की परिभाषा ही पूछी जा रही है। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है कि आर्थिक समस्या यानी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चयन की समस्या ही क्या है, आर्थिक समस्या है। ये इस प्रकार का आपको डेफिनेशन देना है। कोई जरूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम आप डेफिनेशन वहां लिखेंगे, आप अपने शब्दों में आंसर देंगे, जो भी आपको अच्छी तरह से समझ आए उस प्रकार आपको आंसर वहां लिखना है, ठीक है। क्योंकि निर्देश आपको दे दिया जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो आर्थिक समस्या क्या है, हमारे पास असीमित आवश्यकता है, यानी जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, बहुत ही ज्यादा है, अनलिमिटेड है, लेकिन साधन जो है, संसाधन वस्तु जो है, वह क्या है, सीमित है, लिमिट में है, ठीक है। लिमिट में वस्तुएं हैं और जरूरत अनलिमिटेड है। तो यहां क्या है, एक मतलब सेलेक्ट करने की बारी आ जाती है, मतलब चूज करने की बारी आ जाती है, यानी आप सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सा जरूरत को पूरा करना चाहेंगे। तो ये सेलेक्ट करना, ये चयन करना, यानी एक तरह से चयन की समस्या आ जाती है। तो यही क्या है, आर्थिक समस्या है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। या फिर दूसरे भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, प्रोलेफ्टिन यानी प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार बोलते हैं वो कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के प्रयोग और उनके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। ये कौन परिभाषा देते हैं आर्थिक समस्या का, परो लेफ्टविच यानी प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार ये आर्थिक समस्या की है, मतलब आर्थिक समस्या की ये एक परिभाषा है, ठीक है। तो आपको किसी का परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां आपको पूछा नहीं जाएगा कि प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या को परिभाषित करें। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आर्थिक समस्या को वह परिभाषित करना, ठीक है, यानी डेफिनेशन, जो बेस्ट डेफिनेशन होगा उसको आपको डिफाइन करके वह अच्छी तरह से सुनहरे अक्षरों में आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन की संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आप क्या समझते हैं, या फिर उत्पादन की या फिर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को परिभाषित करें। यानी क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम वाले को वो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। यानी पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको पूछा जाएगा एक ही चीज, यानी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं के बारे में लिखें। यह क्या है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो निश्चित संसाधनों, यानी निश्चित संसाधन है हमारे पास, निश्चित वस्तुएं हैं, हर एक अर्थव्यवस्था में लिमिट में संसाधन होते हैं, और लिमिट में टेक्नोलॉजी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए जाता है लेकिन संसाधन लिमिट रह जाता है, ठीक है। तो निश्चित संसाधनों एवं तकनीकी स्टॉक के ज्ञान से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं के संयोजन के उत्पादन को, यानी संयोजन को उत्पादन संभावना कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना क्या है, जितने भी संसाधन है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन है और टेक्नोलॉजी है, ये दोनों की मदद से जितने सारे वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जा सकता है, वो सारे वस्तु और सेवा का जो संयोजन है, मतलब जो योग है, उसी को क्या बोलेंगे, उत्पादन की संभावना बोलेंगे। यानी पॉसिबिलिटी कितना पॉसिबल है, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके पूरा टेक्नोलॉजी, कितना भी जितना टेक्नोलॉजी है उस अर्थव्यवस्था में, और जितनी भी संसाधन है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सारे का इस्तेमाल करते हुए कितनी वस्तु या फिर कितनी संसाधन, ये सॉरी कितनी सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, सारे चीज के योग, यानी वस्तु और सेवा के योग को ही क्या बोलेंगे, उत्पादन की संभावना बोलेंगे। यानी पॉसिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, सीमांत उत्पादन संभावना से आप क्या समझते हैं, या फिर सीमांत उत्पादन संभावना को परिभाषित करें। चलिए आंसर इसका इस प्रकार हो जाएगा कि सीमांत उत्पादन संभावना, इसको अंग्रेजी में दो नाम है इसका,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो सीमांत उत्पादन संभावना है, ये दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है, यानी दो वस्तु के एक तरह से पेयर, यानी जोड़ा समझते हैं ना, दो वस्तु के जेयर पेयर को समझा, एक तरह से दो वस्तु होता है उसमें दोनों वस्तु के संयोग को दर्शाता है, मतलब एक तरह से संयोजन को दर्शाता है, जिनका उत्पादन दिए गए संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने पर किया जाता है, ठीक है। दोनों वस्तुओं के संयोजनों को सीमांत उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र निश्चित संसाधनों व तकनीकी ज्ञान के पूर्ण उपयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को रेखा चित्र की सहायता से दर्शाता है, ठीक है। यहाँ देखिए सीमांत संभावना सीमांत उत्पादन संभावना वक्र के बारे में भी आपको बताया गया, और सीमांत उत्पादन संभावना क्या है कि ये दो वस्तु का संयोजन को दर्शाता है। अगर एक वस्तु यानी टोटल जितने भी संसाधन है वो सभी संसाधन का इस्तेमाल करते हुए दो ही प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है, तो दो ही प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है तो एक वस्तु का अगर निर्माण को बढ़ाएंगे, एक वस्तु की मात्रा को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा है वह घटती है, दूसरी वस्तु की मात्रा को अगर बढ़ाएंगे तो पहली वस्तु की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि संसाधन जो लिमिट में है, संसाधन एक ही संसाधन है, ठीक है, तो संसाधन एक ही है और दो वस्तु का निर्माण करना है। अगर पहला वस्तु का मात्रा को बढ़ा देंगे, पहला वस्तु का निर्माण अगर ज्यादा करेंगे तो दूसरा वस्तु को निर्माण करने के लिए कम संसाधन बचेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिलेशन को दर्शाता है सीमांत उत्पादन संभावना यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में किन चीज की पढ़ाई होती है, अर्थशास्त्र में ये सारे चीज होते हैं, जो भी चीज पढ़ाई होती है, जो भी चीज आपकी विषय वस्तु है, सामग्री है, उस चीज को आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है, उस चीज की विवेचना करने के लिए कह रहा है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की आप क्या करेंगे, विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसी शास्त्र है, ऐसी शाखा है या फिर ऐसा मतलब ब्रांच है जिसमें समाज या देश या फिर किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन एवं विश्लेषण, स्टडी और कंक्लूजन, ठीक है, स्टडी और कंक्लूजन सुगमतापूर्वक यानी आसानी से यानी इजी वे में किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र एक परिभाषा के रूप में आपको यह बताया जाता है। तो उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन इसकी दो मुख्य शाखा व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी हम लोग पढ़े हैं आपका ट्वेल्थ क्लास में जो है दो बुक है ना, पहला बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट है, और दूसरा बुक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें भी चैप्टर फर्स्ट का नाम परिचय है। तो ये दोनों बुक के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र की सारी विषय वस्तु को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से विश्लेषण और अध्ययन करते हैं, सुगमतापूर्वक अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, ठीक है। यानी दो ब्रांच है, इसकी दो मुख्य शाखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए बाजार में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि किसी एक उपभोक्ता, किसी एक कंज्यूमर या फिर सॉरी किसी एक फर्म या फिर किसी एक उत्पादक फर्म का मतलब क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसके बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, उसके व्यवहार का स्टडी किया जाता है। ये सारे चीज़ जो व्यक्तिगत रूप से किसी भी चीज़ की जो व्याख्या की जाती है, अध्ययन की जाती है अर्थव्यवस्था में, तो वह कौन सा ब्रांच में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। ये भी क्या है, अर्थशास्त्र का एक ब्रांच है, दो ब्रांच में से पहला ब्रांच है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो ब्रांच है, दूसरा ब्रांच का नाम क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों के संव्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, यानी सामूहिक रूप से, यानी किसी एक, मैंने अभी क्या बोला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक उपभोक्ता, किसी एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता, सामूहिक रूप में यानी एक से अधिक उपभोक्ता या फिर एक से अधिक फर्मों का इसमें सामूहिक रूप में यानी ग्रुप के जैसा इसमें स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यानी सामूहिक आर्थिक इकाइयों के व्यवहारों का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे सामूहिक मांग हो गया, उसके बाद सामूहिक पूर्ति हो गया, रोजगार हो गया, रोजगार की जब बात की जाएगी तो एक व्यक्ति के रोजगार की बात नहीं की जाएगी, हर एक व्यक्ति के रोजगार की बात की जाएगी, एक से अधिक व्यक्ति के रोजगार की बात की जाएगी। सामूहिक मांग में क्या होगा कि जब किसी एक व्यक्ति के वस्तु की जो मांग होती है उसका स्टडी नहीं किया जाएगा, यानी एक अर्थव्यवस्था में जितने सारे वस्तु हैं, जितने सारे लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा जितने सारी वस्तुओं का डिमांड किया जाता है,
जाता है उसको बोलते हैं सामूहिक मांग। इसका स्टडी जो किया जाएगा, अध्ययन जो किया जाएगा सामूहिक मांग का, वह समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में जीडीपी का अध्ययन किया जाता है, एनआई का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है आपका अर्थव्यवस्था का क्या है एक तरह से विषय वस्तु। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए, या फिर अर्थशास्त्र में आपको क्या करना है, सिंपल सा है, अर्थशास्त्र का डेफिनेशन लिख देना है, अर्थशास्त्र के बारे में लिख देना है, उसके बाद दो ब्रांच के बारे में आपको दो चार लाइन बढ़िया से अच्छी तरह से आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यह क्या है, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया है डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, नाम क्या है, केंद्र, देखिए ये चीज आप दिमाग में रखिए, केंद्र, केंद्र रहा याद में, ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा सत्ता अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना यानी प्रोजेक्ट तैयार करती है, जैसे कि उपभोग, उत्पादन और निवेश के महत्वपूर्ण निर्णय यानी जो फैसला लेते हैं वो केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं या फिर सरकार द्वारा लिए जाते हैं। सीधी सीधी बात है कि केंद्रीय योजना, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें केंद्र द्वारा योजना लाई जाती है उसको बोलते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है, जिसमें केंद्र सरकार का चलती है, जिसमें केंद्र सरकार हर एक निर्णय लेते हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित निर्णय हो या फिर उपभोग से संबंधित निर्णय हो या फिर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय हो, वो सारे निर्णय अगर केंद्र सरकार के द्वारा ली जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का नाम में ही लगा हुआ है, केंद्रीकृत मतलब केंद्र के द्वारा चलने वाली अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलेंगे। याद रखने में भी कितनी आसानी है, देखिए नाम से मैच कर रहा है ना, इस नाम से ही पता चल जाए, नाम से, नाम नहीं देख करके आप डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। नाम से ही आपका, नाम में ही आपका डेफिनेशन छिपा हुआ, केंद्र के द्वारा संचालित की जाने वाली अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। यानी जो आपका समझ में अच्छी तरह से जो परिभाषा आए, जो डेफिनेशन आए, उस चीज को आपको डिफाइन करना है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था कि तथा बाजार अर्थव्यवस्था यानी बाजार अर्थव्यवस्था को भी आपको क्या करना है, डिफाइन करना, मार्केट इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलाप का जो निर्धारण होता है वो बाजार की स्थिति के अनुसार होता है। बाजार का स्थिति कैसी है, किस वस्तु का मांग ज्यादा होता है, किस वस्तु का मांग घट रहा बाजार में, उपभोक्ता की रुचि बाजार में किन कौन सा चीजों में है, उपभोक्ता की रुचि बाजार में कौन सा चीजों में कम है, उपभोक्ता कौन सा वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो ये सब चीज जो है बाजार की स्थिति है। ये क्या है, बाजार की स्थिति है, और यही स्थिति जो है बाजार अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है, उसका रुख, उसका डायरेक्शन को निर्धारित करती है, उसी को क्या बोलेंगे, मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलाप, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो सारे चीज का जो निर्धारण होता है तो बाजार की स्थिति के अनुसार होता है, उसी को क्या बोलेंगे, मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप समझ लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे आप, इसका डेफिनेशन देंगे। वैसे भी मैंने तो आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जितने भी आर्थिक तंत्र है, जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम है, फर्म क्या है, एक आर्थिक तंत्र है, उत्पादक क्या है, एक आर्थिक तंत्र है, ठीक है, कोई मशीन क्या है, एक आर्थिक तंत्र है, कोई कंपनी क्या है, एक आर्थिक तंत्र है, ठीक है। तो ये सारे चीज का मूल्यांकन, वैल्यूएशन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। तो इसमें यह भी चीज का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न आर्थिक तंत्र किस तरह कार्य कर रहा है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है, उनके कार्य क्या है, उनमें उत्पादन क्षमता कितनी है, या फिर उनमें जो लागत लगता है उसमें लागत कितना लगता है, उनकी एक्टिविटी क्या है, ये सारे चीज का जो विश्लेषण अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लिए, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा, और शॉर्ट में जब लिखना पड़ेगा जो वर्ड वही लिखेंगे ना जो इफेक्टिव होगा, ये नहीं कि जो डेफिनेशन है डेफिनेशन से बाहर ही कुछ और लिख दिए, तो वहां जो फिर कॉपी यानी जो जांच करेंगे, जो वैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे, तो उनके सामने अगर सही डेफिनेशन अगर नजर नहीं आएंगे तो वो क्या समझेंगे कि बच्चे को नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप पहला जो लाइन लिखेंगे, ये पहला लाइन डेफिनेशन का, वही इफेक्टिव होनी चाहिए, वो जो चीज आपसे पूछी जाती है उसी चीज से रिलेटेड उसी का डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से
आपका क्या अभिप्राय है, या फिर आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्रियाविधियां हमारे अनुकूल है या नहीं। ठीक है, यानी हमारे विभिन्न क्रियाविधियां मतलब क्या, विभिन्न क्रियाविधि मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उपभोग क्या है, एक उपभोग क्या है, उपभोग मतलब किसी चीज़ का उपयोग करना, यानी किसी चीज़ को ग्रहण करना, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, यूज़ करना, वो क्या है, उपभोग है। ये भी क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है, यानी क्रियाविधि है। ठीक है, तो विभिन्न क्रियाविधि हमारे अनुकूल है यानी हमारे लिए सही है या फिर गलत है, ये चीज़ का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण बोलते हैं। क्या सिगरेट पीना हम लोगों के लिए सही है, या फिर शराब पीना, या फिर दारू पीना हम लोगों के लिए सही है, ये सब चीज़ का जो अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम लिए हैं, एग्जाम्पल के रूप में क्या बताया गया, जब हम कहते हैं कि सिगरेट तथा शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर कर यानी टैक्स की दरें बढ़ा देनी चाहिए, तो यह क्या कहलाएगा, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, यानी सिगरेट और शराब को ज़्यादा मांग होती है तो उनकी मांग को क्या करना है, कम करना, तो उस पर टैक्स जो है यानी बढ़ा दिया, यानी हद से ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली उसका क्या है कि जो मांग है उसका डिमांड घट जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कि उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम क्या हैं। वैसे भी उत्पादन संभावना वक्र के तीन नाम मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड एग्जाम थ्योरी में, तो उसके तीनों नाम को आपको लिख देना है, यानी शॉर्ट टाइप का आपका क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में। तो उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम, पहला नाम है इसका उत्पादन संभावना वक्र है ही, दूसरा जो नाम है उत्पादन संभावना फ्रंटियर, दूसरा नाम क्या है, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, तीसरा नाम है रूपांतरण वक्र, चौथा नाम है रूपांतरण सीमा। उत्पादन संभावना फ्रंटियर, रूपांतरण वक्र तथा रूपांतरण सीमा, यानी तीन और एक्स्ट्रा नाम इसका है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र के, तो इस प्रकार आपको आंसर देना है, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं उसका डेफिनेशन लिखना है, उत्पादन संभावना वक्र से वक्र के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना, 8 क्वेश्चन यानी 8 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस शॉर्ट टाइप का भी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर का, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा पढ़ने का स्टाइल, या फिर जो समझ में आया या नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और कमेंट का मैं वेट करता हूं आप लोगों का, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोगों को समझ में आती है, अगर नहीं आती तो फिर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इजी वे में आंसर मतलब डेफिनेशन लिखेंगे, और जो एक तरह से परिभाषा है उसको काफ़ी सिंपल करेंगे, और एग्जाम्पल जो है काफ़ी सिंपल लेंगे। अगर समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपको क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत ही जल्द कवर करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है, हर एक सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।